अच्छा फिर जानू पोपी नहीं देगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने कहा जाना है, अब हम जा रहे हैं वापस। मैं इसलिए तैयार हो गई हूँ, अब हम वापस जा रहे हैं शिमला। तो गाँव में इतने दिन बहुत मजे आए। चलो मिलते हैं आपको आगे जाते जाते रास्ते में। तो अब चलते हैं नीचे किचन की ओर, साथ में फोन चार्ज कर लेती हूँ। शाम को जाके पहुँचेगी, अब यहाँ से बहुत टाइम लगता है। तब तक मैं आपको एक लास्ट झलक दिखाती हूँ व्यू की। बहुत तो बढ़िया व्यू दिख रहा है अभी बाहर को। घाटियों में धूप लगी हुई है, देखो आप। यार अब जूते पहन लेते हैं, फिर निकलते हैं नीचे को। लेट पहली हो गई है, पैदल ही जाना पड़ता है ना यार। एक तो सीन ऐसा है, गाँव से पैदल बहुत जाना पड़ता है। निकलते फिर शानवी से मिलते हैं जाते बारी। बाय बाय कर। अब कब मिलेगी? अब कब मिलेगी? नकल क्यों उतार रही है? बुरा ऐसे बोल दीदी बगरी जा रहे हैं। बंटी से कहा मिलना, अभी लेट हो रही है। तू मिलते रहे रोज, अब हम जा रहे। अशोक चाची को बोला फिर। तू कहाँ जा रही है? हाँ मेरे जूते भी सख्त बनेगा आठन से। अब चल पड़े हम भाई। हम तो घासी तो रहे। तब क्या हुआ? बाय चलो। बाय 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 बाय। उठवा भाई। ठीक है। अच्छा फिर जानू पोपी नहीं देगी? पोपी बाय कर सबको, यहाँ से कर बाय। बाय अब हम मिलेगी आपसे जब मैं घर आऊंगी, है ना? बाय जानू। बाय चाची। बाय। हर गांव से नीचे रोड तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगता है। अभी थ्रू हमारा रोड है ना, कितना टाइम हुआ? गाड़ी तो चलती नहीं है, मशीन आई है यहाँ पर से, है ना? हाँ आ सकती है, इतना खराब नहीं है। इन हसीन वादियों से हम बहुत दूर जा रहे हैं अब। हाय तो जा रहे सुबह सुबह, ठंड से सीधा ठंड गाल में पड़ रही है। ये देखो यार रोड मेरे गांव का, मतलब रोड बन गया है तो खुशी इतनी हो रही है। अनोखा सा लग रहा है थोड़ा। अनोखा इसलिए लग रहा है यार क्योंकि आज तक रोड नहीं था गांव में, आज तक नहीं, मतलब इसी साल आया। लेकिन वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं है पार तक जाने को, पैदल ही जा रहे पार तक। पार गाड़ी मिली, बस मिली, जो भी मिलेगा उसमें निकल जाएंगे। तो चलते हैं हम। तो मैं आज आपको ना व्यू दिखाती रहूँगी यहाँ का। यहाँ पे कितने अच्छे अच्छा व्यू दिखता है, व्यू के नज़ारे। और जो दादू ने कल शाम को त्रिशूल महाराज की सुनाई ना स्टोरी, और वो भी दिखाती हूँ मैं आपको वो किस जगह में है। तो चलो बने रहो, व्यू का एंजॉय लो आप तब तक।
और मैं आपको एक खतरनाक रास्ता भी दिखाती हूँ जहाँ से हम मैक्सिमम टाइम चलते हैं। हाय नीचे देखना यार, ये खतरनाक रास्ता, नीचे पहुँचना पुल तक, पार से ऊपर को बहुत टाइम लगेगा और साथ में लेट भी हो रही है और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ साथ में। भाई चलो नीचे रास्ते में चलते हैं। तो यार वहाँ से नीचे नीचे जाना है, वहाँ से नीचे, वहाँ से पुल तक जाना है, तो चलो। ये देखो यार रास्ता, इसमें जाना है मेरे को। देखो आप कितना खतरनाक रास्ता है, बहुत ही खतरनाक यार। ये देखो गए तो गए। देखो मरेंगे हम छलांग। हाँ तो यार जो मुश्किल रास्ता था ना ऊपर से, हाय उसमें चलने के लिए फटती है, बहुत बेकार रास्ता है वो। थक जाते हैं यार, अब जाना है ऊपर, अभी तो पुल के पास पहुंच रहे हैं। तो मैं पुल के पास पहुंच चुकी हूँ थक हार के। तो ये है, बहुत ही अच्छा पुल है, देखो मतलब जचता है, व्यू है ना, अरे परे से अच्छा इस करके तो बहुत अच्छा जच रहा है देखो। तो मैं उस जगह पहुंच चुकी हूँ जहाँ से तिसरोलू महाराज का जो स्थान है ना वो दिखता है। देखो यार देखो कितना ऊंचा पुल है, बहुत ऊंचा है, नीचे नदी है, ऊपर ये है। तो आपको दिखाती हूँ वो वाला प्लेस, तिसरोलू महाराज जी का स्थान है जहाँ पे। तो चलो यार दिखाई देती हूँ मैं आपको तिसरोलू महाराज जी का स्थान, देखो मैं दिखाती हूँ। तो गाइस जो ये पत्थर दिख रहा है और इस पे ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है देवदार का, फिर कहा जाता है यहाँ पे कि जो ये पत्थर है इसके नीचे गुफा है। और ये कहा जाता है हमारे जो मांडली होते हैं, बहुत पुराने पहले की बात है कि इसके नीचे गए और उनमें जब देवता है तो यहाँ पे गए और उन्होंने पाया कि अंदर जो है इसके अंदर 7 metal, 7 type metal के गेट बने हैं। और वो मेटल्स जैसे, चलो ये पहले जैसे पत्थर का होगा इसके अंदर गेट, फिर लोहे का होगा, फिर सोने का है, फिर चांदी का, ऐसा ऐसा करके 7 gate लगे हैं ऐसे कहते हैं अंदर यहाँ पे। और हम हमारी बहुत श्रद्धा है, हम कोई भी अगर हम बीमार होते हैं या कुछ भी होते तो हम अपने तिसरोलू महाराज जी का नाम लेते हैं और हमें लगता है कि सब सही हो जाता है और हम बहुत मानते अपने देवता साहब को। तो देखिए ये पत्थर है और इसके ऊपर पेड़ है। कहा जाता है एक बार ही कोई नेपाली था, वो इस पर ये जो पेड़ है इसकी टहनियाँ काट रहा था। तो दादाजी थे यहाँ से, मेरे जो दादाजी वो जा रहे थे, दादाजी ने मना करी कि इस पेड़ का जो टहनियाँ है या कुछ भी है इसको कुछ भी मत करो, उसको नुकसान मत पहुँचाओ, मतलब इसको काटो मत। तो दूसरे दिन कहते हैं कि उसका सिर दर्द हुआ और वो उनकी डेथ हो गई। तो ये भी कहा जाता है कि ये ऐसा ऐसा कहा जाता है मतलब। तो यार ये था हमारे तिसरोलू जी का स्थान, अब मैं यहाँ से अरे पर व्यू दिखाती हूँ आपको। बहुत थक गया, अब चढ़ाई चढ़नी है 20 मिनट में, जो हमारा मतलब जहाँ 1.5 घंटा लग जाता है ना, 1.5 घंटा लग जाता है चढ़ाई चढ़ने को, वो 20 मिनट में निकालनी है हमने क्योंकि हम आपको किया है लेट। तो मिलते हैं सीधा आपको ऊपर। यार हमने अपना रास्ता 20 मिनट में ख़त्म कर लिया, वहाँ नीचे से ऊपर 20 मिनट लगाए हमने, पता है नीचे पुल से। हाँ तो यहाँ से भी दिखाती हूँ मैं आपको अपना, मेरा गांव दिखता है बड़ा अच्छा, व्यू भी बड़ा अच्छा दिख रहा है परे। तो एंजॉय लो, व्यू कहीं ले सकते हैं, फिर उसके बाद कोई व्यू नहीं मिलता। देखिए ये अमरा गांव,
तो यार अब हम पहुंच चुके हैं रोडू और अब जा रहे हैं हम जहाँ पे टैक्सी लगती है ना, तो वहाँ चलते हैं। टैक्सी में निकलेगी हम शिमला, टैक्सी स्टैंड बोलते हैं जहाँ पे टैक्सी लगती है। अभी यार कुछ हो रही हूँ तो यार टैक्सी तो हमारे को यहीं मिल गई है, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारी टैक्सी है और अभी इसको चलने में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे अभी भरी नहीं टैक्सी, जब सवारी आ जाएगी तो चलेगी। तो देखते हैं कब जैसे निकलेगी। है रोडू का बस स्टैंड और ये ऊपर है हॉस्पिटल और थोड़ा पीछे को है, ये है थोड़ा थोड़ा रोडू, बाकी इधर है पीछे को रोडू का बाजार वगैरह जो भी है। लोल। तो यार हमारा ना यहाँ पे रोडू में रुकते रुकते एक डेढ़ घंटा हो गया, शिवारी अभी तक नहीं भरी मतलब टैक्सी। तो फिर अभी हम गए थे लंच करने, लंच में ऐसा खाया ऐसा खाया थी। तो यार मैं क्या कह रही थी, हमने खाया ना, हमने खाए फ्राई राइस, वैसे गंदे फ्राई राइस बनाए थे, मूड़ी मार दिया। तो यार फाइनली हम रोडू से निकल चुके थे शिमला की ओर। जैसे ही हमने खड़ा पत्थर एंटर किया तो यार मौसम बहुत खराब था, बर्फ हो रही थी और यहाँ पे व्यू भी काफी अच्छा नजर आ रहा था। देखो आप यार, अभी हम पहुंच चुके हैं छैला और कुफरी में, तो मैं बोल रही हूँ कुफरी में, पीछे खड़ा पत्थर में मौसम बहुत खराब था, आगे कुफरी में भी खराब होगा। तो करते हैं खाते हैं छोटा मोटा। यार रोडू में तो पता नहीं क्या ही खा लिया था, यहाँ पे खाते हैं। तो मिलते हैं आपसे, किया है खाने में दाल चावल सब्जी चपाती, अभी तक तो सोए तो देखो यार कुफरी एंटर करती ही मौसम खराब, मतलब बर्फ हो रही थी। देखो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और कल तो मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया, मैं आ गई थी खाना खा डायरेक्ट सो गई थी क्योंकि थक गए थे ना कल, इसलिए। तो यार इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं तैयार होके आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।